2007 और 2003 में फाइल को सी पोर्टल पर बनाने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। उसमें आपको फाइल नेम जो है जब सेव एस करके आप कॉमा डिलिमिटेड सेलेक्ट करते हैं तो फाइल का नेम जो है उसमें इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और आखिर में जो इन्वर्टेड कॉमा था उन इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है आपको, और XLS जो उसका शॉर्ट फॉर्म है XLS उसको भी आपको हटाना है, और आपको यूटिलाइज नंबर क्लास नंबर आपको रखना है, और फिर उसको आप सेव करेंगे तो फाइल सेव होगी। लेकिन 2010 के अंदर आपको 2003 और 2007 की तरह डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। CVS फाइल बनाना बहुत इजी है, इसका आपको मैं डेमो दिखा रहा हूँ। ये आप 2010 में आप ये फाइल खोलें, स्टूडेंट डेटा एक्सेल शीट, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगे, यस नो और हेल्प। आप यस पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करने के बाद आपकी ये जो डेटा आपका कंप्लीट हो गया। अब ये फाइल आपको अपलोड करना है, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। उसमें सेव एज करने के वक्त आपको फाइल का जो यूटिलाइज नंबर है वो आपको सामने नजर आता है, लेकिन आप 2010 में जब काम करेंगे सेव एज करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइल नाम खुद देना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी फाइल का नाम यहाँ पे देता हूँ जावेद सर, और यहाँ पर मैं सेव एज टाइप किस फॉर्मेट में मुझे सेव करना है फाइल को, तो मैं सेव एज टाइप को मैं लूंगा कॉमा डिलिमिटेड CSV फॉर्मेट पे, और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। ये मेरी फाइल यहाँ पूछ रहा कि आप CVS डिलिमिटेड में काम नहीं कर सकते, अगर आपने CVS में कन्वर्ट किए हैं तो उस फाइल में आप डेटा एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए फाइल बनेगी, लेकिन इसमें आप एडिट कर नहीं कर सकते। तो हम इसको यस करते हैं, यस करने के बाद इसको मिनिमाइज करते हैं। आप यहाँ डेस्कटॉप पे देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे नाम की जावेद सर CSV एक्सटेंशन के साथ फाइल बन चुकी है। अब ये फाइल हम वेबसाइट पे बहुत ही इजीली अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।